आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नामिका टैंक डिस्ट्रॉयर के बारे में। इस वीडियो के दौरान हम लोग दो एस्पेक्ट पर बात करेंगे, पहला इस वेपन सिस्टम के प्रोडक्शन के बारे में और दूसरा इसकी क्षमताओं के बारे में। देखिए, नामिका एक ऐसा सिस्टम है जिसके ऊपर काम काफी पहले शुरू हुआ था और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये सिस्टम काफी ज्यादा इवॉल्व हुआ है। वर्ड नामिका का मतलब है नाग मिसाइल कैरियर। ये सिस्टम बेसिकली नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम्स को कैरी करने के लिए बनाया गया है। शुरुआती सिस्टम में 8 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हमेशा रेडी टू फायर मोड में रखी जाती थी, बाकी स्टोरेज को मिलाकर टोटल 12 मिसाइल्स होती थी। इस कॉन्फ़िगरेशन का सिस्टम साल 2008 में इंडियन आर्मी के ट्रायल्स में गया था, जिसके बाद इंडियन आर्मी की तरफ से इस सिस्टम में कई सारे चेंजेस बताए गए थे। इन चेंजेस में जो सबसे बड़ा चेंज था वो थे नंबर ऑफ मिसाइल सिस्टम जो रेडी टू फायर मोड में रखे जाते थे। नई कॉन्फ़िगरेशन में ये नंबर घटकर 6 हो गया था, हालांकि स्टोरेज में अभी भी 6 और मिसाइल सिस्टम रखी जाती हैं। फाइनली ये सिस्टम अब इंडियन आर्मी के ट्रायल्स को कंप्लीट कर चुका है। इतना ही नहीं, अब इसका सीरियल प्रोडक्शन भी शुरू कर दिया गया है। वैसे आप सभी को ये चीज पता है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड डिसॉल्व कर दिया गया है और डिसॉल्व होने के बाद में जो कंपनीज बनी हैं उनमें से एक कंपनी आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड यानी कि अफनी इस सिस्टम को इस समय बना रही है। और इतना ही नहीं, इसका पहला सिस्टम ऑलरेडी रोल आउट कर दिया गया है। ओवरऑल ये मेरे लिए काफी बड़ा डेवलपमेंट है और उस चीज को समझने के लिए आपको इसकी कैपेबिलिटीज को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, अगर आप एक टैंक की बात करें तो इनके कन्वेंशनल राउंड्स, चाहे वो हीट राउंड हो या एपीएफ एसडीएस हो, इनकी मैक्सिमम रेंज 2 किलोमीटर से थोड़ी ज्यादा होती है। वहीं अगर नाग मिसाइल सिस्टम की बात की जाए तो इसकी रेंज 4 किलोमीटर से भी ज्यादा की होती है, यानी कि कहा जा सकता है कि लगभग दुगने रेंज पर ये टैंक को डिस्ट्रॉय करने में सक्षम है। साथ ही साथ इसमें 8 किलोग्राम का वॉरहेड यूज किया जाता है जो इस समय प्लैनेट पे मौजूद हर एक टैंक को डिस्ट्रॉय करने में सक्षम है। और इसी वजह से एक सिस्टम जो टैंक्स के साथ में चलते हुए 6 ऐसी मिसाइल सिस्टम्स को कैरी करे तो वो आर्मर फॉर्मेशन में काफी तगड़ा पंच ऐड करता है। वैसे अगर नामिका की स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो ये सिस्टम सारथ के ऊपर बनाया गया है यानी कि BMP-2, और इसी वजह से इस सिस्टम की मोबिलिटी काफी अच्छी है। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर नए सिस्टम को दिखाया गया है और अगर आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें 2 इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम्स हैं। बेसिकली एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम कमांडर के लिए है और दूसरा मिसाइल फायरिंग के लिए। यानी कि इस इम्प्रूव्ड सिस्टम के साथ में हंटर किलर कैपेबिलिटी ऐड की गई है, जहां पर कमांडर और गनर अलग अलग टारगेट को मॉनिटर कर सकते हैं। और इसी वजह से इन टैंक किलर्स के पास में टैंक्स जैसी मोबिलिटी, उनसे बेहतर फायर पावर, लेकिन कंपैरेटिवली कम प्रोटेक्शन है। हालांकि इन सिस्टम्स की मारक क्षमता लगभग 2 गुना है, इस वजह से ये प्रोटेक्शन वाला एंगल इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं छोड़ता है। और इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए आप इमेजिन कीजिए, आपके आर्मर फॉर्मेशन के साथ में ये टैंक डिस्ट्रॉयर्स भी मूव करते हैं तो उसका ओवरऑल इम्पैक्ट कितना ज्यादा गहरा होगा। इस सिस्टम के इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम लगभग 7.5 किलोमीटर की रेंज पर अपने टारगेट को आइडेंटिफाई करके स्पॉट कर सकते हैं, और इलाके में अगर कोई दूसरी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम है तो वो उस टारगेट को न्यूट्रलाइज कर सकती है। यानी कि ये सिस्टम पूरी तरीके से एक पैक में भी काम कर सकेगा। देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स के सामने टैंक्स बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं रह जाते हैं, लेकिन डिफेंस एक्सपो के दौरान अवनी की तरफ से एक और सिस्टम प्रेजेंट किया गया था जहां पर BMP-2 के ऊपर से लॉयटरिंग म्यूनिशन भी लॉन्च की जा सकेगी, यानी कि इसकी इफेक्टिवनेस और भी ज्यादा बढ़ाई जा सकती है। इसमें 2 लॉयटरिंग म्यूनिशन के साथ साथ एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम भी है। हालांकि ये सिस्टम नामिका जैसा सिस्टम नहीं है, लेकिन ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स ये चीज इंडिकेट करते हैं कि इंडियन आर्मी अपने फाइटिंग फॉर्मेशन के ऊपर काफी एक्सटेंसिव तरीके से काम कर रही है, और ये जो नई टेक्नोलॉजी इनकॉर्पोरेट की जा रही है वो इंडियन आर्मी की फाइटिंग फॉर्मेशन को और भी तगड़ा पंच देगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।